service and excellence. So interesting और बहुत ही उसकी की बात जो मुझे लगी ना मुझे इतनी जो आए सर्विस एक्सीलेंस हमें क्यों देनी चाहिए? Why we should be giving good quality service? क्यों? आपको मेहमान आए हम सब अच्छा बर्ताव करें क्यों? ना हम ये ऑफिस में हैं अपने बॉस के साथ बेहतरीन रवैया रखें क्यों? कस्टमर डील कर रहे हैं उससे हम बेहतरीन रवैया रखें अनबिलीवेबल तरीके से पेश आए क्यों? हमारा दिन भी दर्द देखिए दो ही काम होता है ना या तो क्यों हमें क्लियर हो और फिर कैसे ये दो चीजें क्लियर हो जाए तो आदमी काम कर लेता है एटीट्यूड्स डेवलप हो जाते हैं कंटेंट गुड रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट्स चलिए हम कोई मिसाल ले लेते हैं कि वी आर ऑल वर्किंग इन सुपर टेक एंड जहान फाउंडेशन व्हाई वी शुड वर्क अनबिलीवेबल चलें और क्या वजह हो सकती है हम क्यों इस कंपनी में अनबिलीवेबल परफॉर्म करें एथिक्स भी है मतलब लगता है कि अगर आपको सैलरी मिल रही है एक चीज की तो आप चलो नोट करते वेरी इंटरेस्टिंग आंसर था आप कह रहे हैं एथिक्स की वजह से म्यूचुअल बेनिफिट्स आपने कहा किस वजह से इट्स रिक्वायरमेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट और क्या है व्हाई क्यों हम अच्छा परफॉर्म करें लोग कह रहे हैं ना अनबिलीवेबल रॉन कॉफमैन कहता है कि अनबिलीवेबल परफॉर्म करो क्योंकि अब दुनिया में लोग कर रहे हैं वरना पीछे रह जाओगे सर म्यूचुअल बेनिफिट्स की वजह से म्यूचुअल बेनिफिट और व्हाई सर्विस एक्सीलेंस व्हाई परफॉर्म अनबिलीवेबल क्यों अच्छा करें भाई बहुत अच्छा है अनबिलीवेबली बेस्ट क्यों करें आप थे उस लेक्चर में जो एसएन ने परसों उसमें ये था कि हम किसी के साथ तीन चार तरीकों से परफॉर्म कर सकते हैं एक नॉर्मल एक उससे अच्छा डिजायर इन एक जो टॉप लेवल था इट वाज अनबिलीवेबल वो सोच नहीं सकता है कि आप उसके साथ क्या कर सकते हैं नेगेटिव में नहीं हम तो फॉलो करते हैं फार इतना यानी नेगेटिव नेगेटिव है तो यानी इतना अच्छा बर्ताव करें कि वो परेशान हो जाए डिलाइट तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाई क्यों अच्छा करें भाई व्हाई Why we should work unbelievable? It makes us extraordinary in this company. क्यों? Extraordinary बनाते हैं, unbelievable companies. क्या आप extraordinary हो जाएंगे जब आप यहाँ? तो हम example ले रहे, direct ले रहे, कोई indirect तरीके से बात नहीं कर रहे. Why we should work in unbelievable manner in this company? हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये हम नहीं पूछ रहे. Why we should be unbelievable in this organization? सिंपल कंपनी ग्रो करेगी. आपने तो बता दिया ना कि बिजनेस रिक्वायरमेंट है और क्या वजूहत हो सकती है सर कस्टमर लॉयल्टी के लिए आप इसलिए करेंगे कि कस्टमर खुश होगा कस्टमर लॉयल्टी क्योंकि अगर आपकी सर्विस अच्छी है देखिए सवाल को पहले क्लियर करें कंपनी कह रही है आपसे कि आप अनबिलीवेबल वे से बेहतरीन सर्व करें इस कंपनी को कंपनी एक्सपेक्ट करती है आपसे तो आप पूछेंगे ना कंपनी से कि भाई क्यों आपके जहन में फौरन एक सवाल आएगा क्यों मैं क्योंकि हमने जो फीडबैक लिया है इसमें किसी ने भी ये नहीं लिखा कि आई एम परफॉर्मिंग एट अनबिलीवेबल लेवल नहीं लिखा यानी ये गिल्ट ऑलरेडी आप लोगों के अंदर है कि यार मैं इससे बेहतर काम कर सकता हूं नहीं कर रहा इफ यू नो यू कैन डू इट बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग इट इसका मतलब कोई एटीट्यूड का प्रॉब्लम है देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बिलीफ दिमाग का प्रॉब्लम नहीं है यू कैन डू इट ऑफ कर दो यू नहीं करते हैं ये तो बचता रहेगा रात भर नमाज में भी बजेगा नींद में भी बजेगा कब तक उसको सुनते रहो लर्न टू से नो यू कैन नॉट ईट योर केक एंड कै मारा यू कैन नॉट ईट योर केक एंड मुहावरे तो आने चाहिए थोड़े बहुत मुहावरे बड़े कीमती होते हैं बड़ी बड़ी उसके पीछे हिकमत तजुर्बे के बाद एक मुहावरा बनता है ना मुहावरे जरूर उर्दू के अंग्रेजी किसी भी जबान के मिले ना तो वो अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बना दे आप 100 जुमलों से बेहतर है कि एक मुहावरा कह दें यानी अच्छी जुमला
You cannot eat your cake and have it. Exactly. You cannot eat your up. या तो खालोगे या बचा लोगे. दोनों काम. या खर्च कर दोगे या बच जाएगा. अब आप बोलिए मैं खर्च भी कर लूँ, पैसे भी बच जाएं, मैं खर्च भी कर लूँ. I mean, you will be always a confused man. ना ढंग से खर्च कर सकोगे, ना ढंग से clarity of mind is very important. If you are here, focus here. वरना यहाँ से भी ऐसी खाली आ जाओगे, उससे भी ढंग से बात नहीं. हाँ हाँ हेलो हेलो अच्छा ठीक है. हाँ कभी मत सही. ओ भाई बंद करो यार, है ना. Clear. ठीक है. Clear. चल. Why unbelievable? क्यों? अच्छा इसमें जो होता है कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ठीक है सर. कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब ये होता है कि हर दूसरा आदमी आपका वो क्लाइंट है. आपका कलीग हो, आपका सबॉर्डिनेट हो, आपके हायर मैनेजमेंट हो, या जो भी हो, इवन आपका जो जिसको हम कहते हैं आउटवर्ड जो भी जो कॉन्टैक्ट कस्टमर उसकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए. सेटिस्फेक्शन इन द सेंस कि जो काम वो चाहता है टाइमली हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स टाइमली पूरी हो रही है. ये सारी जब चीज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अनबिलीवेबल की तरफ जाएगा. ट्रू. नहीं अभी हम डिस्कस कर रहे दो. देखें सर्विस एक्सीलेंस में दो ही चीजें हो सकती हैं, व्हाई एंड व्हाट. क्यों मैं बहुत अच्छा करूं और फिर कैसे करूं, यानी कैसे वो खुश हो जाएगा. कैसे पे हम बहुत बात करते हैं, तो कैसे जो है वो फिर भी मैं समझता हूँ कि इट्स अ बिट सेकेंडरी. नेचर फॉलो करती है कि पहले आपके बिलीफ स्ट्रॉन्ग होते हैं. वंस यू स्टार्ट बिलीविंग समथिंग, है ना, गड़बड़ अगर जड़ में आ जाए ना तो फिर फल नहीं आते अच्छे. जड़ ठीक हो जाए और एक दो फल खराब है तो अगला फल सही आएगा क्योंकि जड़ सही होगी. तो बिलीफ्स चलो इसमें मैं एक एक आप लोग चाहें तो उसको नोट भी कर लें. ये एक अलग से एक कॉन्सेप्ट है हमारा, एक्शंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं. क्योंकि हम अभी हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड क्यों कर रहे हैं, ये आपको समझ आ जाएगा. देखें एक्शन हमें हमें लोगों के नजर आते हैं. हम लोगों के क्या देखते हैं, बिहेवियर या एक्शन यही देखते हैं. बोलना, कंटेंट ऑफ द वर्ड एंड द टोन, द वे द पर्सन इज स्पीकिंग एंड द बॉडी लैंग्वेज, ना यही सब है ना, ये सब बिहेवियर्स में आते हैं. सिंगल वर्ड एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स आर एक्शन. एक्शन कैसे बनते हैं, हाउ एक्शंस आर शेप, सिंपल साइकोलॉजी है कैसे बनते हैं एक्शन. किसी के एक्शन चेंज करने में क्या करेंगे, ऐसा ये साइकोलॉजिस्ट हमें हेल्प करते हैं. वो कहते हैं लोगों की थिंकिंग चेंज कर दें. सिंपल, बहुत बड़ी डिस्कवरी है ये. बहुत इसने पूरी पूरी क्लिनिकल साइकोलॉजी को भी टर्न अराउंड कर दिया. यानी आप बड़े से बड़ा डिप्रेशन इस एक पॉइंट से ठीक कर सकते हैं, है ना. अभी मैं कहूं बार बम फूटने वाला है तो आप लोग सुकून से बैठ सकेंगे, ऐसे नहीं बैठ सकेंगे. एकदम एंजाइटी सी आ जाएगी, खबर झूठी थी. हाँ ठीक है, सारे के सब कुछ ठीक हो गया ना. कैसे हुआ, थॉट की डायरेक्शन हमने, इसको सीबीटी कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. ये बहुत, तो एक्शन डायरेक्ट्स दी थिंकिंग डायरेक्ट्स दी एक्शन. थिंकिंग डायरेक्ट्स दी एक्शन. ये मैंने साइलेंट करने के लिए था. समझे कि आपको एरो पे इस तरह होना चाहिए. गुड. आप इधर बना लो. आपके सामने जो चीजें बाद आदमी सोचते हैं उसके जेहन में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए. बास उसको फॉर एक्शन करते हैं कि मैं इसको सेव करूं, बास कहते हैं कि नहीं भाग जाओ यहां से. तो वो चीज होती है उसको, मतलब वो वहां उसका बिहेवियर जो है ना वो जाया करता है. उसका बिहेवियर क्या, उसने क्या एक्ट किया. ठीक है सर. ठीक, क्या एक्ट किया उसने, बिल्कुल ठीक, उस सिचुएशन के अंदर. फिर उसके बाद एटीट्यूड आएगा जो भी वो चीज दूसरी आएगी.
परफेक्ट सर की बात बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा था कि हमें किसी की थिंकिंग पढ़नी हो कैसे पढ़ेंगे, हाउ वी कैन रीड एनीवनस माइंड, कैसे पढ़ेंगे दिमाग के अंदर आपके क्या चल रहा है, कैसे पता चलेगा उसके एक्शंस को देखकर। हाँ, उसके एक्शन ऑब्जर्व करें ना, उसके एक्शन ऑब्जर्व करें, आपके अंदर क्या चल रहा है पता चल जाएगा। बहुत मुश्किल होता है छुपाना, आप जो सोच रहे हो मतलब फेस इज दी, ये पहले के लोग क्या कहते हैं, फेस इज दी इंडेक्स ऑफ माइंड, ये आज लोगों ने इसको कंफर्म किया है, वरना कई लोग पहले ही गए थे, बड़ा पुराना मामला है कि फेस इज दी इंडेक्स ऑफ माइंड। पहले लोग कहते थे हैंड रिटन एप्लीकेशन होनी चाहिए, भाई देख के बता देते थे, थिंकिंग रवैये सब पता चल जाता है, जस्ट तीन लाइनें बंदा लिखे सब पता चल जाता है। देखने वाली आंख चाहिए, क्या चाहिए, आंख चाहिए, देखने वाली आंख। हमें किसी की थिंकिंग पढ़नी हो कहाँ झांकेंगे, उसके एक्शन। अच्छा भाई, अच्छा हमें हमें तो लोगों के बिहेवियर सही है ना, वी नीड एक्सीलेंस इन एक्शन, हमें लोगों की थिंकिंग चेंज करनी है। थिंकिंग के अंदर जब ये आ जाएगा कि आई हैव टू परफॉर्म इन एन अनबिलीवेबल मैनर, तो वो नजर कहाँ आएगा, एक्शन, मगर एक्शन कहाँ होगा, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग लिव्ड वो भी नहीं होती, क्योंकि वो थिंकिंग बदलती रहती है, तो फिर वो बिहेवियर भी बदल जाएगा, नया आइडिया ध्यान में आ गया, उसके उसने फिर चेंज कर लिया अपना बिहेवियर। अब इसको मजीद स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, बिलीफ के दो वर्ड और भी हैं, बड़े कॉमन वर्ड जिसको आप कहते हैं ना, वैल्यूज, वैल्यूज या फिर एटीट्यूड्स, ये सब मिलते जुलते वर्ड है। एटीट्यूड इज अबाउट बिलीफ, बिलीफ से एटीट्यूड बनता है, एटीट्यूड से बिलीफ बनता है, तो यही आपकी वैल्यू सेट करते हैं। एटीट्यूड मींस वैल्यू और बिलीफ दोनों का कंबाइन कर दे तो एटीट्यूड, एटीट्यूड बन जाएगा। सिमिलर चीजें, इन तीनों का ताल्लुक आपके दिल से, यकीन से। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, बिलीफ का मतलब यह है कि आप किस चीज को सही समझते हैं, किस चीज को। बस मैं सर के साथ दूसरी दूंगा, वो शायद ऐसे रिलेटेड ना हो, कि बस लोग कहते हैं कि एक चीज है, अगर टॉलरेंस होती है, अगर 95% भी है तो आदमी समझता है इट इज रिगार्डेड एज 100%, अगर 105% भी है तो इज कंसिडर्ड एज 100%। तो वो एक टॉलरेंस का जो होता है वो होता है उसकी बिलीव करते हैं कि अगर हमारा 95% है तो आप इसको 100%, ये उसका बिलीव होता है। वैल्यूज, वैल्यूज वो होती है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्वालिटी को दे रहे हैं, क्वांटिटी को दे रहे हैं, या अपने बिहेवियर को दे रहे हैं। बिलीव आपके क्या है, ठीक है जी, ये परफेक्ट, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तो डेफिनेटली डिफरेंस है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप इन तीनों में चेंज लाएंगे, बिलीव, वैल्यूज या एटीट्यूड में, तो इससे क्या चेंज होगा, इन तीनों चीजों से क्या चेंज होगा, थिंकिंग, नजर कहां आएगा, कैसे नजर आएगा कि इसका एटीट्यूड चेंज हो गया, बिहेवियर, कैसे चेंज हुआ, इसकी वैल्यूज चेंज हो गई, बिहेवियर, कैसे पता चलेगा कि इसका बिलीफ चेंज हो गया, थिंकिंग में तो होगा लेकिन नजर कहां आएगा, एक्शन, चेंजेस इन बिलीफ, वैल्यूज एंड एटीट्यूड विल रिफ्लेक्ट इन एक्शन, ठीक है सर, एक्शन है ना, मगर एक स्टेप है बीच में, पहले ये थिंकिंग चेंज करेगा, फिर थिंकिंग आपके एक्शन, हमें असल में क्या चेंज करना है, एक्शन, कंसिस्टेंट एक्शन लेके आना है, कंसिस्टेंट बिहेवियर लाना है। आदमी सिगरेट पीता है, आप चाहते हैं एक दिन के लिए छोड़ दे या हमेशा के लिए छोड़ दे, हमेशा के लिए, अगर हमेशा के लिए चाहते हैं तो यानी दोनों के लिए हमें थिंकिंग, एक्शन, बिलीव, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स पे उसके काम करें, तो मान लेगा कि मैंने नहीं पी ली तो वो
नहीं ये एक जनरल रूल है ये मेरा यानी दिस वाज नॉट द सब्जेक्ट टुडे लेकिन ये एक जनरल नॉलेज है कि अगर किसी के भी किसी भी एरिया में आपने एक्शन का काम करना है तो एक्शन हमेशा कैसे चेंज होते हैं थिंकिंग से और थिंकिंग कंसिस्टेंट थिंकिंग कैसे चेंज होगी कि ये हमेशा जब भी कस्टमर से बात करे ऐसे बात करे भी ब्रांड भाई आ गए हाउ आर यू बहुत कर्टियस हो गया ध्यान में क्या भाई चल बहुत तंग करता है यार ये तो हमें अगर कंसिस्टेंट चेंज चाहिए उसकी थिंकिंग में तो कहाँ एक्ट करना पड़ेगा हमें उसके बिलीव्स वैल्यूज एंड एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा सिमिलर चीजें अलग चीजें जैसे प्लीज साइलेंट पॉइंट था कि व्हाई वी शुड बी परफॉर्मिंग एट अनबिलीवेबल लेवल ऑफ एक्सीलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन ना हमें इस मिसाल से ही समझ आ रहा है कि देयर मस्ट बी समथिंग विद आवर बिलीव्स तब हम कंसिस्टेंटली अनबिलीवेबल हो जाएंगे और अगर नहीं है हम अनबिलीवेबल तो देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ्स में कोई ना कोई मिसकंसेप्शन है जो कि हमें अनबिलीवेबल नहीं होने देती नहीं एग्री करेंगे नहीं करेंगे यस सर देयर इज नो